मेवात जिले में वोटिंग की मतगणना को लेकर पूरी तरह से तैयार है। मेवात पुलिस 6 जगह पर लगाए गए नाके, मतगणना केंद्र पर रहेगी कड़ी सुरक्षा। बता दें कि मतगणना केंद्र से लेकर सड़क तक रहेगी कड़ी सुरक्षा। चुनावी नतीजों के बाद झगड़े रोकने के लिए सरपंचों, पीस कमेटी सदस्यों के लिए जा रही है मदद। चुनावी नतीजों के बाद भी पुलिस रहेगी अलर्ट। मतगणना केंद्र पर नहीं बल्कि चुनावी नतीजों के बाद नेताओं के समर्थकों में आपसी झगड़े रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई देगा। इसके लिए सरपंचों से लेकर पीस कमेटी से जुड़े हुए लोगों की मदद पुलिस द्वारा ली जा रही है। इस बात का खुलासा विजय प्रताप सिंह पुलिस अधीक्षक नूह ने किया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप सिंह ने कहा कि मतगणना को लेकर पूरी तरह से तैयार है मेवात पुलिस। 6 जगहों पर नाके लगाए गए हैं। मतगणना केंद्र पर भी कड़ी सुरक्षा रहेगी। नतीजे के बाद किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था भंग न हो उसको लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। IRB के जवान हमारे पास तैनात हैं, अर्धसैनिक बल की और कई कंपनियां हमारे पास मौजूद हैं और हजारों की संख्या में हरियाणा पुलिस के जवान मौजूद हैं। जहां तक स्ट्रांग रूम की बात की जाए, सुरक्षा की बात की जाए, तो 3 लेयर की सुरक्षा वहां पर की जा रही है। स्टेट पुलिस, IRP, अर्धसैनिक बल के जवान लगातार निगरानी कर रहे हैं। बाहरी लोगों को आने की इजाजत नहीं होगी। मतगणना केंद्र के आसपास कड़ी सुरक्षा रहेगी। सभी से अपील की गई है कि बिना वजह लोग मतगणना केंद्र के आसपास ना आएं। उन्होंने जिले के लोगों से भी अपील करते हुए कहा है कि चुनाव के परिणाम कुछ भी रहे, पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम रखनी है। पुलिस की कोशिश है कि प्रत्येक गांव में मौजूद लोग सरपंच, पूर्व सरपंच, पीस कमेटी के सदस्यों से मुलाकात कर शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है और पूरे जिले में फ्लैग मार्च भी निकाला जाएगा और संदेश देने का काम किया जाएगा कि लोग शांति से रहें। अगर किसी ने कानून व्यवस्था भंग की तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप ने दो टूक कहा है कि सुरक्षा के एतवार से परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा और चुनावी नतीजों के बाद भी जिले की हर हरकत पर मेवात पुलिस की नजर रहेगी। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मतगणना से संबंधित खबरें रोजाना जरूर देखिएगा। आपस में गिर जाते हैं उसको लेकर और मतगणना को लेकर आपकी तरफ से क्या तैयारी? मतगणना को लेकर हम पूर्ण रूप से तैयार है। 7 जगह नाके लगाए गए हैं एहतियातन और मतगणना केंद्र पर भी उपयुक्त मात्रा में फोर्स को रखा गया है और नतीजों के बाद भी किसी प्रकार का कोई एटमॉस्फेयर खराब ना हो, लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, उसको लेकर भी पूर्ण रूप से हम तैयार हैं। IRB की 3 कंपनियां हमारे पास हैं। इसके अलावा पूरी फोर्स जो हमारे पास है, लॉ एंड ऑर्डर की 2 कंपनियां हमारे पास है। इसके अलावा भी करीब 1000 आदमी कल नियुक्त रहेंगे। उसके बाद भी किसी प्रकार की कोई परेशानी सामने ना आए। अभी तक तो जो स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा, जैसा कि आपको पता ही है, CAPF और स्टेट जो पुलिस फोर्स IRB और लोकल पुलिस के हाथों है। कल भी जो बाहर है, हर तरीके से 7 नाकों पे हम बहुत से लोगों को आने की इजाजत नहीं देंगे। जो जरूरतमंद और सिर्फ जो चुनाव में एजेंट का कार्य करेंगे उन्हीं लोगों को मतदान केंद्र तक पहुँचने देंगे और सभी से ये रिक्वेस्ट भी है कि बिना काम यहाँ तक ना आए ताकि किसी प्रकार की असुविधा को ना झेलना पड़े। और पूरे जिले से भी ये उम्मीद करते हैं और हम इसमें निवेदन करते हैं कि कल भी चुनाव परिणाम कुछ भी हो, शांति बनाए रखें और हर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पुलिस की सहायता। कोशिश कर रहे हैं हम कि प्रत्येक गाँव लेवल पे जो भी मौजूदान लोग हैं, सरपंच है, एक सरपंच है और भी अन्य लोग हैं, उनसे लगातार कांटेक्ट करके और जो एरिया की जो पीस कमेटीज है उनकी मीटिंग कर ली जाए और शाम को हम एहतियातन पूरे जिले में फ्लैग मार्च में निकालेंगे और लोगों को ये संदेश देंगे कि वो किसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर है वो अपने हाथ में ना लें, शांति से रहें और जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने में मदद करें। थैंक यू।